आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्गन प्लेन, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज पढ़ेंगे हम आर्गन प्लेन। सबसे पहले इसी की बात करते हैं। सपोज z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने स्कूल में पढ़ा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिसमें एक x एक्सिस होती है और एक y एक्सिस होती है, और यहाँ सेंटर को हम ओरिजिन बोलते हैं, 0 0 जिसकी एंट्री होती है। इसमें नीचे की तरफ नेगेटिव वाई की एंट्रीज आती हैं, यहाँ पॉजिटिव वाई की एंट्रीज आती हैं, यहाँ राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एक्स की एंट्रीज आती हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव एंट्रीज आती हैं एक्स की। इसी पे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करें तो इस प्लेन को नाम देते थे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन, या कहो आर्गन प्लेन, द प्लेन इन विच और से ऑन विच वी रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड द आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है एक्स जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल होता है एक इमेजिनरी होता है। रियल पार्ट होता है एक्स से हम अगर नोटेशन दे रहे हैं यहाँ तो ये एक्स है, और यहाँ वाई हम इसके इमेजिनरी पार्ट को डिनोट कर रहे हैं, जो आयोटा के साथ लिखा है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो जितनी भी रियल एंट्रीज होती हैं, जितने जो रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो इस एक्सिस पे आता है, एक्स एक्सिस जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की होती है उस पे। जो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो आता है वाई एक्सिस पे। और जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उस प्लेन को हम बोल देते हैं आर्गन प्लेन। सो आर्गन प्लेन में जो अभी तक हमारी एक्स एक्सिस थी वो कौन है, रियल एक्सिस। जो हमारी वाई एक्सिस थी वो कौन है, अब इमेजिनरी एक्सिस। एक्स प्लस आयोटा वाई हमने बताया रियल पार्ट जो होता है वो एक्स एक्सिस पे आता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो वाई एक्सिस पे आता है। तो सपोज यहाँ कहीं है एक्स और इमेजिनरी पार्ट वाई, वाई एक्सिस जो अभी हमारी इमेजिनरी एक्सिस है इस पे यहाँ कहीं हम बताएं इसको वाई, तो हमारा यहाँ कहीं एक नंबर आएगा, सपोज दैट इज पी एक्स कोमा वाई। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को, एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई को। हमें पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से ऐसा हम जानते हैं कि यहाँ पॉजिटिव एंट्रीज हैं एक्स की, यहाँ नेगेटिव एंट्रीज हैं, मतलब यहाँ एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है। यहाँ ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं और यहाँ एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, यहाँ एक्स नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है। यहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। एक्स और वाई की साइन के अकॉर्डिंग जो पोजीशन डिसाइड होगी वो इन क्वाड्रेंट में होगी। हम साइन देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि कहाँ नंबर लाई करेगा। थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल, जेड इक्वल्स टू वन प्लस टू आयोटा। तो देखिए इसका रियल पार्ट वन है, इमेजिनरी पार्ट टू है,
तो अगर हम इसको इस प्लेन में बात करें तो ये भी इसका रियल पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, और रियल पार्ट रियल एक्सिस पे आ रहा है, जो एक्स एक्सिस है रियल एक्सिस उस पे आ रहा है। तो यहाँ अगर हम कहीं वन बताएं, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, टू आयोटा, इस नंबर का इमेजिनरी पार्ट टू है, वो इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा। रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो नंबर अगर यहाँ कहीं टू है तो नंबर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर हम z इक्वल्स टू, सपोज आई एम टेकिंग 1 - 3 iota, तो क्या बनेगा, रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट -3। रियल पार्ट है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड साइड में रियल एक्सिस के, और नेगेटिव ऑफ इमेजिनरी पार्ट है -3, मतलब नेगेटिव, मतलब y के नेगेटिव साइड में नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ से देखें हम तो एक ऐसा नंबर है, x प्लस है, y माइनस है, तो प्लस और माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में नंबर आएगा, ये 1 है, यहाँ कहीं हम बताएं -3, तो ये नंबर आएगा यहाँ 1, -3। इफ़ आई एम टेकिंग z इक्वल्स टू आयोटा, तो नंबर को आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करने से पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि उसका रियल पार्ट क्या है और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, और उनके साइन को भी नोटिस करते हैं कि उनके साइन क्या हैं, जो ये जिससे हम ये डिसाइड करेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो z इक्वल्स टू आयोटा, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है x प्लस आयोटा y। अगर हमें यहाँ से नहीं समझ आए तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करें x प्लस आयोटा y से, तो क्या है, यूं हम लिख सकते हैं इसको 0 + iota, तो अभी x हो गया 0, y हो गया 1, तो ये एक नंबर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है। तो इसमें देखिए रियल पार्ट 0, रियल पार्ट आता है x एक्सिस पे, रियल एक्सिस पे, दिस इज 0, और ये 0 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मतलब पूरी इमेजिनरी एक्सिस पे क्या है, रियल पार्ट 0 होगा, या यूं कहो पूरी वाई एक्सिस पे एक्स 0 है। तो यहाँ कहीं भी नंबर लो उन सब के लिए एक्स की एंट्री 0 आएगी, साथ में क्या है, वाई 1 है। तो यहाँ से ये नंबर फिक्स हो गया कि इस नंबर पे जहाँ 1 आ रहा है, सपोज यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 है, तो ये एंट्री क्या हो गई, 0, 1 हुई, 0, 1 एंट्री ये हुई, तो ये वाला नंबर आयोटा यहाँ आएगा। सपोज नंबर मैं ले रही हूँ जेड इक्वल्स टू -1 - iota, रियल पार्ट -1, इमेजिनरी पार्ट -1, बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, तो दोनों की एंट्री यहाँ आएगी। सपोज यहाँ है -1 एक्स में, यहाँ माइनस में, तो दिस नंबर विल बी -1, -1 यहाँ आएगा। तो ये तो हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट क्या कैसे करेंगे उसका तरीका। अब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करेंगे यहाँ। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट को कैसे बताते हैं, इसकी हम यहाँ बात करते हैं। अगेन मान लीजिए जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सपोज ये आर्गन प्लेन में नंबर यहाँ कहीं है, एक्स की एक्स एक्सिस पे कुछ एक्स यूनिट चला और वाई एक्सिस पे कुछ ये वाई यूनिट चला, तो हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिला जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ
जो एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो होगा दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट। ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करने के बाद जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनेगा वो उस दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को हम ए आर जी ऑफ जेड लिख सकते हैं। इन शॉर्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, सपोज इसको हम लिखें थीटा, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या है, थीटा। मान लीजिए एंगल अल्फा बन रहा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हम जो स्टैंडर्ड नोटेशन में लेके चल रहे हैं वो थीटा लेके चल रहे हैं, और इस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कौन हो गया, अल्फा, थीटा इज अल्फा। इसको हम बताएं ये एंगल अल्फा बन रहा है कुछ, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या बना, अल्फा। नंबर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बने हुए एंगल को हम उसके आर्ग्यूमेंट को बताएंगे। अब ये तो रही बात उस नंबर की जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब अगर नंबर लाई करे सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब जेड कैसा हो, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एंट्री आएगी एक्स की, मतलब नेगेटिव, और वाई की एंट्री अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव, तो ये आएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, ये बनेगा। तो इस केस में नंबर कहाँ है, ये मान लीजिए हमारा नंबर है आर्गन प्लेन में जेड जो है माइनस ऑफ एक्स और वाई, ये नंबर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो कौन है, यहाँ अल्फा है ये एंगल। तो जब नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आएगा, नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, तो आर्ग्यूमेंट क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस अल्फा। सपोज हम इस एंगल को हम अगर अल्फा कहें, ठीक है, तो या इस केस में क्या बन रहा है हमारा, ये आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो बनता है वो होता है आर्ग्यूमेंट, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो बनता है एंटी क्लॉकवाइज में तो होता है वो आर्ग्यूमेंट। तो थीटा है यहाँ ये एंगल, और ये एंगल कौन है, नाउ सपोज इन दिस केस वी आर टेकिंग दिस पार्ट एज अल्फा, तो ये क्या बना, थीटा क्या बना, देखिए कंप्लीट कितना है, 180 है, हम इस पार्ट को अगर अल्फा ले रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट किसको बताएंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बने हुए एंगल को आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, और यहाँ क्या है वो थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड दैट इज पाई माइनस अल्फा, या यूं कहो इस केस में थीटा बना है पाई माइनस अल्फा। हमने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को स्टैंडर्ड नोटेशन थीटा से दिया है, और हमने इस एंगल को जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो एंगल है ये थीटा है, तो ये क्या बना, ये कंप्लीट 180 है, ये पार्ट अगर मैं अल्फा ले रही हूँ तो ये क्या बनेगा, पाई माइनस अल्फा, थीटा इज पाई माइनस अल्फा। अब अगर हमारा नंबर है माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई, मतलब एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, लेफ्ट साइड में एक्स की एंट्री होगी चूंकि नेगेटिव है,
वाई की एंट्री नीचे की तरफ होगी, ये भी नेगेटिव है, तो हमारा नंबर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये कहीं आ रहा है माइनस ऑफ एक्स और माइनस ऑफ वाई। इसका जो ये एंगल बना है, हमें पता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा ट्रिग्नोमेट्री से हम जानते हैं कि नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल की गणना पॉजिटिव होती है। तो ये जो मेजरमेंट आ रहा है ये क्या आ रहा है, अगेन वी आर टेकिंग दिस मच एंगल इज अल्फा, देन इन दिस केस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या बनेगा, अगेन वो थीटा है, तो थीटा कौन है हमारा, ये एंगल है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ये अगर अल्फा है और हम चले हैं नेगेटिव में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने का मतलब हम ले रहे हैं एंगल नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, दिस कंप्लीट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री, रिमूविंग दिस मच पार्ट विल गिव द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट दैट इज माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, सो इन दैट के इन दिस केस थीटा इज माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। नाउ इफ जेड इज एक्स माइनस आयोटा वाई, तो देखिए आर्गन प्लेन में एक्स माइनस आयोटा वाई, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, रियल पार्ट पॉजिटिव, नंबर्स यहाँ कहीं क्या है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये हमारा जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई है, तो ये नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, क्योंकि हम चल रहे हैं अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या बनेगा, माइनस ऑफ अल्फा बनेगा, ठीक है, ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ अल्फा बनेगा। यहाँ हमने बात की आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को बताने के लिए, एक एंगल हमने लिया अल्फा, तो इसमें जो हमने अल्फा लिया है, जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के लिए ज़रूरी है, वो अल्फा को इवेलुएट कहाँ से करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है टेन अल्फा इक्वल्स टू मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। हमने जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिया था, जिसमें रियल है पार्ट एक्स और इमेजिनरी पार्ट है वाई, तो आर्ग्यूमेंट में जो एंगल हमें चाहिए अल्फा जिसका रोल होता है, वो एंगल इवेलुएट इस फॉर्मूले से होता है, क्या करना है, अगर इस नंबर के लिए लिख रहे हैं तो टेन अल्फा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट का मॉड। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू मेक इट मोर क्लियर, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं z इक्वल्स टू माइनस टू प्लस टू रूट थ्री आयोटा, और हमें इस नंबर को, इस नंबर के लिए हमें आर्ग्यूमेंट बताना है, इस नंबर का हमें मॉडुलस बताना है, और इस नंबर का हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन भी करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस नंबर के लिए z इक्वल्स टू माइनस टू प्लस टू रूट थ्री आयोटा के लिए मॉडुलस की, जो रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ जेड से, ये क्या बता रहा है, मॉडुलस ऑफ जेड, तो मॉड ऑफ जेड से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, मॉड ऑफ जेड क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर
और इसका स्क्वायर रूट। तो हमारे केस में माइनस टू स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी दैट इज फोर प्लस फोर इंटू थ्री स्क्वायर रूट दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो मॉड ऑफ जेड आ गया हमारा 4। मॉडुलस इवैल्यूएट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की। मॉडुलस हम इसका इवैल्यूएट कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड में हमें सबसे पहले इस नंबर की लोकेशन देखनी है आर्गेंट प्लेन में। तो नंबर क्या है? माइनस टू प्लस टू रूट थ्री आयोटा। रियल पार्ट इज माइनस टू, इमेजनरी पार्ट इज टू रूट थ्री। रियल पार्ट की एंट्री क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब ये लेफ्ट साइड में आएगा और इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव, मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो नंबर आएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, नंबर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सपोज ये नंबर हम बता रहे हैं यहाँ, तो इस नंबर के लिए आर्ग्यूमेंट हमें चाहिए। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है? अगर नंबर लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या होगा? पाई माइनस अल्फा, अभी जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। अल्फा कैसे इवेल्युएट करते हैं? अल्फा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, टेन ऑफ अल्फा इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड का मॉड। तो टेन अल्फा क्या बन रहा है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड का मॉडुलस, ये बन रहा है। हमारे केस में इमेजिनरी पार्ट कौन है? जो हमने एग्जांपल लिया उसमें टू रूट थ्री है। तो टू रूट थ्री इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट कौन है? माइनस टू है। तो अपॉन माइनस टू इसका मोड इज टेन ऑफ अल्फा, ये क्या बन रहा है? रूट थ्री। टेन अल्फा इज रूट थ्री, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं? टेन ऑफ टेन किस एंगल के लिए रूट थ्री बनता है? हमें पता है कि टेन ऑफ 60 डिग्री इज रूट थ्री एंड 60 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई बाय थ्री। तो क्या मिला? टेन अल्फा इक्वल्स टू टेन पाई बाय थ्री मिला। इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा क्या आ गया? पाई बाय थ्री आ गया। तो हमारे दिए गए एग्जांपल के लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है? पाई माइनस अल्फा। सो हियर इट विल बी पाई माइनस पाई बाय थ्री। अभी हमने इवेल्युएट किया कि अल्फा हमें मिला है पाई बाय थ्री, तो आर्ग्यूमेंट क्या बन गया हमारे इस केस में? टू पाई बाय थ्री। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वेयर जेड इज माइनस टू प्लस, हमारा नंबर क्या था? माइनस टू प्लस टू रूट थ्री आयोटा। उसका आर्ग्यूमेंट कौन हुआ? टू पाई बाय थ्री। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, हमने आर्ग्यूमेंट भी ले लिया, अब हम बात करेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन की। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन किसी नंबर जेड का होता है आर कॉमन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहां आर क्या होता है? मॉड ऑफ जेड होता है, या यू कहें कि रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, ये होता है। और जो थीटा है वो कौन है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। तो मतलब हमें किसी भी नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर रिप्रेजेंटेशन में दो चीज़ें चाहिए। एक हमारे पास होना चाहिए उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, एक हमारे पास होना चाहिए उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट। और हमारे एग्जांपल के लिए हम दोनों इवेल्युएट कर चुके हैं। हमारे पास मॉड जेड है 4 और हमारे पास आर्ग्यूमेंट है 2 पाई बाय 3। तो बहुत आसान है, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? आर इक्वल्स टू 4
और थीटा इक्वल्स टू 2π/3। तो यहाँ जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन z का क्या बना, r दैट इज 4 cos ऑफ 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ये हमारे दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन। सो पोलर रिप्रेजेंटेशन में वी नीड जस्ट टू क्वांटिटी r एंड थीटा, वेयर r इज नथिंग बट द मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट नंबर। फॉर r वी नीड द फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। And for theta, that is argument. First, we have need to find alpha. Alpha can be evaluate from the formula. Tan alpha equals to mod of imaginary part of z upon real part of z. Using this alpha, we can find theta, as we discussed in this lecture, by finding in which quadrant the complex number is lying. And then we are able to write the polar form, that is r cos theta plus iota sin theta.